अगर आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया ईमानदारी वाला होता है तो आपकी प्रोडक्ट भी ईमानदारी वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हेमोजी मसाला का हम आपको बता रहे हैं। ये लेमिनेटेड जो पैकेजिंग मटेरियल है, ये जो रोल आप देख रहे हैं, ये रोल जब मटेरियल ये लेने आए तब ये रोल देखा था उन्होंने, टच करके देखा क्वालिटी सही है, हाँ ये वो वगैरह जो भी है। ये बता हम इसलिए रहे हैं क्योंकि पहले ये कहीं और करवाते थे। आप जानते हैं कि हम अहमदाबाद गुजरात बेस्ड हैं। एमके फ्लेक्सीपैक के यूट्यूब चैनल पे आप हैं। एमके फ्लेक्सीपैक के यूट्यूब चैनल में मैं मुकुंद परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे अलग अलग वीडियो और टोटल पैकेजिंग मटेरियल के बारे में हम आपको अलग अलग नॉलेज शेयर करते हैं। ये हेमोजी का कस्टमर का ये 5 रुपये का गरम मसाला का ये रोल और ये सिंगल कलर, जैसे ये एवरेज मसाले के जो बॉक्सेस आते हैं वो बॉक्सेस के अंदर जो पाउच होता है वो सिंगल कलर वाले प्रिंटेड होते हैं, तो वैसे उन्होंने हेमोजी हेमोजी गुजराती हिंदी इंग्लिश 3 लैंग्वेज में लिख के ये सिंगल कलर में बनाए। अगर आप भी आपका खुद का ब्रांड का प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल लेमिनेटेड सप्लाई चाहते हैं तो हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आगे जाके नंबर देंगे, हम अभी पहले हम देते थे शुरुआत से वीडियो में हमारे नंबर, लेकिन अब हम नंबर इसलिए नहीं देते दोस्तों क्योंकि जो सोच होती है, हम ये चाहते हैं कि आप लॉन्ग विजन की सोच रखते हो। शॉर्ट टर्म की सोच में क्या होता है दोस्तों कि 1 सेकंड का वीडियो देखा तुरंत कॉल कर देंगे, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या करते हैं, और बात होगी रेडीमेड पाउचेस की, और रेडीमेड पाउच में फिर अलग 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 चीज़ें होती है, हम अलग वीडियो में आपसे इसके बारे में बात करें। अब ये जो कस्टमर है उनका एक दिन कॉल आया, रेट क्या है अब बताइए जल्दी, मैं सिलेंडर लेके निकला हूं मुझे देने जाना है। दूसरे दिन आ गए सिलेंडर लेकर, पहले हमसे बात की, बात करके समझ के फिर सिलेंडर हमें उनके पुराने जहां चल रहे थे वहाँ पे दिए। ये देखिए राइट साइड में जो है वो सैंपल पुराना वाला है और लेफ्ट साइड में ये जो प्रिंटिंग हुआ है ये प्रिंटिंग का सैंपल हमने निकाला है। ये देखिए ये जो है ये प्रिंटिंग का हमने ये सैंपल निकाला है। दोनों में डिफरेंस लिटिल बिट आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है, अच्छे प्रिंटर के पास जाने से क्या फ़र्क होता है आपके लेमिनेटेड मटेरियल में, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये 6 कलर का जॉब है। ये सिलेंडर लेके आए, उनको थोड़े से जो परफेक्शन एक दूसरे का समझना था, एक दूसरे की साइकोलॉजी, एक दूसरे की सोच, उनका काम 100% ईमानदारी, एथिकल काम, उनको हमारी यही बात अच्छी लगी क्योंकि हम हमेशा यही बात करते हैं और यही है हमारे पास दोस्तों, ईमानदारी। ईमानदारी के अलावा एक बिजनेसमैन के पास कुछ और होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ईमानदारी होती है तो वो एथिक्स अंदर से निकलते हैं, परसेप्शन निकलता है। तो अगर ये हेमोजी गरम मसाला बना रहे हैं तो वो क्वालिटी उस तरह की बनाएंगे। और उन्होंने हमें एक बात बोली कि मेरा मसाला इंटेक रहना चाहिए, फ्लेवर ये वो वगैरह वगैरह, तो हम जानते हैं। ये देखिए इंक का डब्बा दिखा रहा है कि कौन सी इंक हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो एक एक चीज़ जो होती है वो क्वालिटी क्या चाहिए उनकी क्वालिटी की परख हमें लेनी पड़ती है। वो समझने के बाद हम समझ गए उनको क्या क्वालिटी चाहिए, कैसा थिकनेस चाहिए और उसके अंदर एलडी फिल्म की क्वालिटी क्या चाहिए, और वो डिसाइड करके ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेके ये उनका ये प्रिंटिंग आपको दिखा रहे हैं और ये आपको शुरुआत में सैंपल भी दिखाया कि पहले कैसा था। ये उनके साथ उन्होंने हमें एक सिंगल कलर का भी ये जो ऑर्डर दिया, ये नया सिलेंडर बनाया एक ही कलर का, जैसे मैंने आपको बॉक्स का बताया, बॉक्स के अंदर का इनर पैकिंग, तो ये सिंगल कलर में उनका ये भी प्रिंट किया। जो अब ये प्रिंट करके ये देखिए, ये जो है कि प्रिंटिंग चल रहा है और प्रिंटिंग के बाद होता है लेमिनेशन। ये प्रिंटिंग का सैंपल निकल गया और प्रिंटिंग होने के बाद जब ये लेमिनेशन होता है तो ये लेमिनेशन, तो लेमिनेशन में उसका निखार जैसा मैं हमेशा बताता हूँ बढ़ जाता है, तो ये लेमिनेटेड लेमिनेशन हो गया। ये लेमिनेशन होने के बाद उनका जो प्रिंटेड है वो ये इसका लेमिनेशन चल रहा है। अब ये लेमिनेशन हो गया, देखिए राइट साइड में आप देखिए कोने में 3 लोग आ रहे हैं दोस्तों। ऐसा हुआ कि ये जब लेमिनेशन चल रहा था तो महाराष्ट्र में नंदुरबार के आगे नामपुर है, वहाँ से कस्टमर आए, उनको पोहा का बनाना था, उन्होंने भी 1 महीने पहले कॉल किया था। कॉल करने के बाद वो खुद आए, पूरी एक एक चीज़ समझना चाहते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कैसे होता है,
और जैसे ये हेमोजी का कस्टमर कैसे आए, सिर्फ उन्होंने सर्च किया। आप अभी भी अगर आपको स्पाइसेस का पैकिंग मटेरियल या पाउच या लेमिनेटेड रोल या जो भी आप फूड पैकेजिंग का या नॉन फूड पैकेजिंग का कोई भी अगर ये पैकेजिंग मटेरियल बनवाना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले सर्च में हम आते हैं। हम आते हैं, लोग हमें देखते हैं, लोग हमें बात करते हैं और जो सही सोच रखता है उसका तुरंत एक क्लिक हो जाता है, सेटिंग हो जाता है, वो सेटिंग होता है और वो रिलेशन बनता है। एक बार सिर्फ फ़ोन करके फिर आए, समझे, जैसे ये कस्टमर आए, वो देख रहे हैं, ये अलग कस्टमर है, उनका वीडियो आगे हम बताएंगे। ये कस्टमर आए, बात किया, समझे, ऑर्डर दिया और काम किया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एलडी फिल्म है, उसमें कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है दोस्तों, ये जनरल एलडी यूज़ नहीं की है। तो वो उनको जो चीज़ चाहिए, उनके जो मसाला है वो इतना अच्छी क्वालिटी का मसाला बनाया है, 5 रुपये का गरम मसाला आज की तारीख में दे रहे हैं दोस्तों, इतने महंगाई के ज़माने में। ये देखिए, ये कस्टमर जो नामपुर से आए, ये पूरा समझ रहे हैं, जो उनको पाउच का पोहा का पाउच बनाना है कि कैसे ये होता है, एक सिंगल कलर का ये गोपीश्री घी का है तो वो बनाया है, वो लिमिट दिखा रहे हैं, सिलेंडर बता रहे हैं क्या क्या कैसे होता है, ये हमारे एक एक चीज़ को कस्टमर समझ रहे हैं। और समझते हैं वही तो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब आप आते हो, अब होता क्या है कि जैसे इंटरनेट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो देख रहे हैं लेकिन आजकल ठगाई बहुत होती है, फ्रॉड बहुत होते हैं और इंटरनेट में तो ज़बरदस्त फ्रॉड हो रहा है। तो वो फ्रॉड में सबसे मेन ही होता है कि ये जो लाइव वीडियो आपको दिख रहा है, ये वीडियो में जो मशीन दिख रहा है, जो लेमिनेशन हो रहा है, जो प्लेस दिख रहा है, जो जगह दिख रही है, जो ऊपर दिख रहा है, जो नीचे दिख रहा है, आप यहाँ आके एक ट्रस्ट बिल्टअप कर सकते हैं, यहाँ के देख सकते हैं कि हमने वीडियो में जो लाइव दिखाया है वो ही हकीकत है और वो ही दिख रहा है। हम ऐसा नहीं है कि दूसरे मशीन के वीडियो कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, आजकल गैम्बलिंग वही हो रहा है, आपको अच्छे 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 मस्त शूट करके अच्छे वीडियो दिखाएंगे और बात करेंगे कोई और, जबकि हम यहाँ खुद, मैं मुकुंद परमार खुद बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी का फाउंडर हूँ, और फिर भी क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें सच्चाई चाहिए, सच्चाई में हम बिलीव करते हैं, एथिक्स एंड ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंट, कोई गलत बात नहीं, सही बात, और ऐसे ही कस्टमर हमें अच्छे लगते हैं। और ये हेमोजी का जो उनको चाहिए था, जो चीज़ चाहिए थी, वही चीज़, वही रॉ मटेरियल, जो माइक्रोन माइक्रोन के साथ जो क्वालिटी, दोस्तों यही इम्पोर्टेंट होता है। ईमानदारी एक शब्द में, प्रामाणिकता एक शब्द में व्याख्यान की जाती है कि जो बोला है वो करो, जो बोला है वो करो। आज की तारीख में प्लास्टिक में मैक्सिमम आपको केसेस मिलेंगे। अभी एक कस्टमर का कॉल आया था, पूरा उनको समझा रहे थे, 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं तो क्या क्या, हम हमारे कस्टमर को सिखाते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपके पास रोल आता है, रोल आने के बाद क्या आप कितने अंदर से पैकेट बने, ये जो एक एक रोल जैसे 12-15 किलो का होता है तो आपने FFS मशीन पे पैक कर रहे हो, पैक करने के बाद इसमें से कितने पाउच पर केजी में निकले, क्या ये आप चेक करते हो दोस्तों, ये ज़रूरी होता है। हम आपको सप्लाई करते हैं उसके बावजूद भी आपको आपके वहाँ आने के बाद क्या करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है, वो भी हम समझाते हैं, क्योंकि हम हमारी एग्ज़ाम दिलवाते हैं, आप हमारी एग्ज़ाम लीजिए, एक एक चीज़ को समझिए और समझ के काम होता है, तब होता है। और ये जो रॉ मटेरियल, जो भी चीज़ बोली और वही चीज़ देना, ये आज की तारीख में कस्टमाइज में जब आपका ब्रांडेड करवाने जाते हो तो ऐसा आजकल नहीं हो रहा है दोस्तों, ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है प्रिंटर की। आप जो सप्लायर चूज़ कर रहे हैं वो सप्लायर सही में परफेक्ट ईमानदार है कि नहीं वो देखिए, एक्सपीरियंस है कि नहीं वो देखिए, वो एक्सपीरियंस आपकी प्रोडक्ट में डाल रहा है कि नहीं। और ये ऐसे, ये जब प्रिंटिंग लेमिनेशन स्लिटिंग करके ये टोटल ये मटेरियल तैयार हो जाता है, ये मटेरियल आपको दिखा रहे हैं, अगर आप आपकी ब्रांड का खुद का सही में अच्छा ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल प्रिंट करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, तो आइए कॉल पे बात कीजिए, हम पूरा समझाएंगे कि पहले डिज़ाइन बनाना पड़ता है, उसके बाद ये प्रिंटिंग के सिलेंडर जो आपको दिखाए कि कैसे प्रिंटिंग होता था वैसे प्रिंटिंग के सिलेंडर बनाने पड़ते हैं। एक सिलेंडर का खर्चा 5,000 से 10,000 के बीच में आता है, वो साइज़ पे डिपेंड करता है और मटेरियल बनता है, 1.5 लाख का खर्चा होता है, 2 लाख का भी होता है। आइए समझिए।